हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे का डाउट था तो इसका सॉल्यूशन अभी करने वाले हैं। अगर आपका भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। ए और बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 14 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है। पूरा कार्य 24 दिनों में पूरा होता है। बी अकेले पूरे कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है? क्या बोला है कि ए और जो बी है वो दोनों इस काम को कर सकते हैं 20 दिनों में, तो ये पूरा काम हो जाएगा। लेकिन ए और बी 14 दिनों तक काम करते हैं। यहाँ पर बोला गया कि 14 दिनों के बाद, इसका मतलब 14 दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया है। उसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो काम कौन करेगा? अब बी काम करेगा। और काम हमें 24 दिन में करना था, 14 दिनों तक तो इन दोनों ने काम किया और 24 दिनों तक काम हमें करना था, यानी कि 10 दिन अभी और बाकी हैं। तो 10 दिन काम कौन करेगा? बी काम करेगा, क्योंकि ए तो छोड़कर चला गया है। बी करेगा 10 दिन तक काम। इसको सोल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी मल्टीप्लाई 14, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में, तो यहाँ पर बच जाएगा ए प्लस बी और मल्टीप्लाई में 6 बराबर 10 बी। इसको सोल्व करें तो 6a + 6b इज इक्वल टू 10 बी। 6a 6b को लेके जाएंगे राइट साइड तो 4b, तो a डिवाइड में b, तो ये हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे, 3 2 2 4, तो 2/3। अब ये है इनकी एफिशिएंसी की रेशियो। अब इस रेशियो को आप या तो यहाँ पर रख दो या फिर यहाँ पर रख दो, दोनों ही केस में रखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 2 और 3 5, तो 5 × 20। अब ये है टोटल काम। हमसे पूछा गया कि बी अकेले पूरे कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। पूरा काम ये था, बी कितने समय में पूरा करेगा? तो बी की एफिशियंसी से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100/3। 100/3 दिन में काम पूरा कर देगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा।